मुंह और गले की संबंधित बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, टॉयलेट अगर बाहर बना हो या अंदर बना हो। अपने कहो हैं वेदांग पार्टिसिपेंट, उनकी ना एक फोन आया मुझे, अपने वास्तु अभिषेक हैं, मी हैं अपने वास्तु अभिषेक जी, है ना, उन्होंने टॉयलेट के ऊपर अपने वीडियो डाला था, आपने देखा किसी ने वो? नहीं, वो कहते ना सेंटर पार्ट से एक फ्लो जा रहा है, फ्लो जा रहा है, तो वहां पे टॉयलेट आ गई। अब हरा डालेंगे या अपना ग्रीन करेंगे, ये है ना, वो कह रहे हैं कि पानी का जोन है, पानी का जोन, पानी की वेव्स जा रही है, अगर टॉयलेट है तो बीच में ड्रेन हो रही है ना। तो मुझे पार्टिसिपेंट का फोन आया था, सर वहां पे व्हाइट पट्टी लगाएं, क्योंकि माइंड में देख के आ जाता ना विचार कि उन्होंने व्हाइट पट्टी को मना कर दिया, आप क्या कहेंगे? मैं कहा व्हाइट पट्टी लगाएंगे, है ना, तार अगर तार यूज नहीं करना चाहते तो व्हाइट पट्टी लगाएंगे। अब उन्होंने अभिषेक जी ने मना किया, वो कहते कि पानी का फ्लो है, व्हाइट जो आकाश है वो पानी को क्या करता है, बढ़ाता है, है ना, और व्हाइट आने से पानी और बढ़ जाएगा, वो ड्रेन हो रहा है, वो बड़ा हुआ पानी फिर जाना शुरू कर देगा, ऐसे ही कहा ना, ऐसे बोले उन्होंने। ये चीज कही कि अगर पानी की वेव्स जा रही है, एक पानी फ्लो जा रहा है, आपने वहां पे नॉर्थ में टॉयलेट बना दी और पानी का वेव्स है, अगर आपने व्हाइट पट्टी, उन्होंने सभी पट्टी समझाई, व्हाइट पट्टी कर दी, तो व्हाइट पट्टी पानी को और बढ़ाना शुरू कर देगा, अब और पानी फ्लो होना जाना शुरू कर देगा, है ना, से मतलब ज्यादा। पर नहीं, देखो सभी अच्छे वास्तुकार हैं, सभी अपना मंथन करते हैं, पर थोड़ी सी कमी आ जाती है जब हम लैक ऑफ, मतलब कि आपने कह दिया कि हमने कई और चैप्टर नहीं पढ़े होते, है ना, वाइट पट्टी वो वहां पे ये काम नहीं करेगी, वो पानी को बढ़ाने का काम नहीं करेगी, आपने ये सोचना है कि वहां पे पहले क्या है, टॉयलेट है जी, है ना, वहां पे क्या चीज है, यहां पे टॉयलेट बनी हुई है, इसके आजू बाजू आपने पट्टी लगा दी वाइट, यहां से फ्लो जा रहा है पानी का, ठीक है। और देखिए आप, वाइट हमेशा अर्थ को एग्जॉस्ट करता है, पानी वाइट हमेशा अर्थ को क्या करता है, स्पेस हमेशा किसको एग्जॉस्ट करता है, अर्थ को एग्जॉस्ट कर रहा है। आपने मैडम बैठिए, जो चीज जुड़ी समझा रहा हूं ना वो समझ लीजिए, व्हाइट हमेशा अर्थ को एग्जॉस्ट करता है, हमने लगा दी व्हाइट पट्टी। अब मुझे ये बताइए कोई चीज कि जब केदारनाथ में, श्री केदारनाथ में वो पानी का वो भूचाल आया था, बादल टूटे थे, भूचाल आया था पानी का, क्या वो पता है सबको, नॉलेज में है? हाँ जी, हाँ जी, सैलाब आया था पानी का, किसका सैलाब आया था ना, किसका सैलाब आया था, आकाश का भी सैलाब आया था, बादल फटे थे, है ना, तो पानी आ गया था। तो वहां मंदिर था शिव जी का मंदिर केदारनाथ में, है ना, शिव जी का मंदिर, तो वो कैसे बचा था? उसके पीछे एक बड़ा भीम वाला ये सब पत्थर आया था, बाद में आया था, पानी ऐसा चलेगा, तो वहां पे पत्थर आ गया था आगे, पहले तो पानी आ रहा था, फिर पत्थर आया, तो पानी पहले तो एक टकराया, ऊपर से गया, साइडों से कट गया, है ना, है ना, पत्थर आगे रुक गया था। ये थ्योरी पता है ना आपको? बिल्कुल सर, देखा है आपने कि मंदिर के पीछे पत्थर आया तो पानी डिवाइड हो गया, तो मंदिर को नुकसान नहीं हो, देखो शिव की कृपा, जब मंदिर को, अगर यहाँ पे व्हाइट पट्टी आएगी तो फ्लो डिवाइड हो जाएगा टकराने से। एक जब रावण अंदर एंटर नहीं कर पाया था, तो जब हमने व्हाइट पट्टी लगा दी तो फ्लो पानी अंदर कैसे चला जाएगा, ये बताइए मुझे, जब हमने उसको ब्लॉक कर दिया तो ड्रेन कैसे हो जाएगा अंदर, तो वो मंदिर तो बच गया था, मंदिर आया उसके आगे पत्थर आ गया तो पानी ऐसे डिवाइड होकर चला गया, ऐसे दो, है ना, जब वहां पे वाइट पट्टी आ जाएगी तो सीधा कैसे जाने देगा उसको, ड्रेन कैसे होने देगा, उसको डिवाइड कर देगा। थ्योरी ये है, मतलब कि लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, लैक ऑफ क्या कह लीजिए, जब आप देखा होगा, समझा होगा, आपका नॉलेज बहुत जबरदस्त होगी, तब ये थ्योरी को पकड़ पाएंगे, नहीं तो ये चीजें आप वो खराब करती हैं, है ना, दिमाग को भटका देती हैं। मैं कहा यहाँ पे वाइट लगा देंगे कोई नुकसान नहीं करेगी, हमने देखना कि वहां पे मेजर एक्टिविटी क्या है। मैं कल भी पढ़ा रहा था आपको, आपने ये नहीं देखना कि ये जोन कम है या बड़ा हुआ है, टॉयलेट अच्छी से ब्लॉक किससे होगी,